and happy Sabbath while we are on the closing time of our Sabbath today. मुझे कुछ शुरुआती टिप्पणी करने के लिए कहा गया है और मैं धन्यवाद देता हूँ मिस्टर बरकत का कि मुझे ये मौका दिया गया कि मैं हमारे जो भी यहाँ सदस्य जुड़े हुए हैं उनके साथ कुछ साझा कर सकता हूँ। और जब मैं ये टिप्पणी दे रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि ये जो कुछ बातें मैं बताऊँ आप लिख लें, क्योंकि लिखना हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि हम अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं। तो जब ऐसी सभाएं होती हैं जिसमें भाषण से बढ़कर कुछ शिक्षाएं दी जाती हैं तो उनको लिखना अनिवार्य है और आवश्यक भी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अगर चाहते हैं तो आप ये कुछ टिप्पणियां जो मैं देना चाहता हूं उसको लिख सकते हैं। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, पर मैं जल्दी जल्दी में भी कुछ बात कहना नहीं चाहता हूं। इसलिए ये जो मौका मुझे मिला है कुछ बात आपके सामने रखना चाहता हूं। मिसेस एलन जी वाइट की किताब सबक स्कूल कार्य पर परामर्श और उसका पृष्ठ 115 में इस प्रकार दिया गया है, एक सवाल का जवाब दिया गया है कि हमें सबक स्कूल पाठ का अध्ययन क्यों करना चाहिए। और आज जो ये सभा हो रही है ये इस चीज का उद्घाटन है कि हम सबक स्कूल पाठ केवल सबक के दिन ही नहीं परंतु सप्ताह के हर दिन करें। और इसी सिलसिले में, इसी संदर्भ में मिसेस एलन जी वाइट इस किताब में जिसका नाम है सबक स्कूल कार्य पर परामर्श या सबक स्कूल कार्य पर परामर्श, उसका 115 पृष्ठ पे इस प्रकार दिया गया है, सबक स्कूल आत्माओं को जीतने वाली गतिविधियों के लिए एक प्रभावी साधन है। आत्माओं को जीतने के लिए एक प्रभावी साधन है। बहुत पहले मिसेस एलन जी वाइट ने हमें बताया कि सबक स्कूल यदि सही तरीके से संचालित किया जाए तो ये आत्मा को सत्य के ज्ञान में लाने के लिए परमेश्वर के महान उपायों में से एक है। यदि सही तरीके से संचालित किया जाए तो सबक स्कूल आत्माओं को सत्य के ज्ञान में लाने के लिए, सत्य का ज्ञान कौन है? प्रभु यीशु मसीह, लाने के लिए परमेश्वर के महान उपायों में से एक है। आप इस किताब को देख सकते हैं जिसका इंग्लिश टाइटल है काउंसिल्स ऑन सबक स्कूल वर्क, पेज 115। और ये बात आज भी मान्य है कि सबक स्कूल जिसको हम कलीसिया का या चर्च का हृदय कहते हैं, आत्माओं को सत्य के ज्ञान प्रभु यीशु के पास लाने के लिए परमेश्वर के महान उपायों में से एक है। तो सवाल यही है कि सबक स्कूल पाठ का अध्ययन क्यों करना चाहिए, और ये सवाल कि कैसे करना चाहिए इसका जवाब आपको इसके अंत में पता चल जाएगा। तो जिस प्रकार से हमने बताया एलन जी वाइट की पुस्तक सबक स्कूल कार्य पर परामर्श हमें निम्नलिखित लाभों का आश्वासन देते हैं, ये हैं तो बहुत सारे, पर मैं सारांश में केवल 10 आपको बताऊंगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लिख लें कि सबक स्कूल पाठ हमें क्यों पढ़ना चाहिए या उसका अध्ययन क्यों करना चाहिए। नंबर एक, अध्ययन न केवल हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान देता है। मैं ये बताना चाहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि पास्टर वीपी सिंह का बाइबल का ज्ञान काफी है। मैं कोई थियोलॉजी ग्रेजुएट नहीं हूं और ना ही मेरे अंदर ऐसी कोई क्षमता है, परंतु मैं ये आपके सामने कह सकता हूं कि बचपन से, जब से मैं रुड़की स्कूल गया, मैं सबक स्कूल पाठ में हमेशा पार्ट लेता था और उसका अध्ययन करता था। और यही कारण है कि सबक स्कूल पाठ का अध्ययन करने से हमारी पवित्र शास्त्र का ज्ञान, हमारा पवित्र शास्त्र का ज्ञान बहुत ही बढ़ सकता है और हम बहुत कुछ। और ये सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च का बहुत ही अच्छा इंतजाम है कि सबक स्कूल पाठ साल दर साल और कई सालों बाद इसका फिर से अध्ययन होता रहता है ताकि हम बाइबल में एकदम निपुण हो जाएं, अच्छी जानकारी उसकी रखें। यदि आप
और मैं सब स्कूल पाठ का अध्ययन नियमित रूप से करें तो हमें थियोलॉजी ग्रेजुएशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब स्कूल पाठ ही हमें बहुत कुछ सिखा देता है। तो नंबर एक यही है कि अध्ययन ना केवल हमारे हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान देता है, बल्कि इसके पवित्र सत्य के प्रति प्रेम और स्वयं के लिए उनका अध्ययन करने की इच्छा जगाता है। पवित्र सत्य के प्रति प्रेम, जो उसमें सच्चाइयां पाई जाती हैं उसके लिए प्रेम, और खुद के लिए स्वयं के लिए उनका अध्ययन करने की इच्छा जगाता है। तो सब स्कूल पाठ का अध्ययन कीजिए और वो आपको इच्छा जगाएगा कि आप उस सत्य के बारे में जाने। नंबर दो, यदि हमें पवित्र अपनी पवित्र शिक्षाओं द्वारा यदि हमें अपनी पवित्र शिक्षाओं द्वारा हमारे जीवन को सॉरी ये हमें अपनी पवित्र शिक्षाओं द्वारा हमारे जीवन को नियंत्रण करना सिखाता है। जो कुछ भी हम साबर स्कूल से सीखते हैं, पाठ से सीखते हैं, ये हमारे जीवन को नियंत्रण करना सिखाता है, रेगुलेट करना सिखाता है कि हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। ये देखा गया है बहुत से चर्चों में, अक्सर कुछ लोग, ज्यादातर तो नहीं, कुछ लोग सब स्कूल के बाद चर्च में आते हैं। सब स्कूल के बाद चर्च में वो सोचते हैं शायद डिवाइन सर्विस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे लगता है हालांकि डिवाइन सर्विस भी इम्पोर्टेंट है, पर वो एक आदमी खड़ा होकर सबको भाषण देता है। पर सब स्कूल एक स्कूल है, एक विद्यालय है जहाँ हम सब मिलकर सीखते हैं, और इसीलिए मैं सोचता हूँ सब स्कूल में पार्ट लेना अनिवार्य है, आवश्यक है। डिवाइन सर्विस के समय ही नहीं, परंतु 9:15 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी टाइम आपका होता है उसमें आए और सब स्कूल में केवल मूक बनकर नहीं, परंतु उसमें हिस्सा लेकर अध्ययन करें। तीसरी बात, ये मन को समृद्ध करता है। इट एनरिचेस द माइंड, मन को समृद्ध करता है। वही मैं कहता हूं कि हमारे मन में, दिमाग में बहुत ज्ञान आ जाता है अगर यदि हम सब स्कूल पाठ का अध्ययन करें। और कट्टर धोखेबाज कौन? शैतान, लूसीफर की चालों और प्रलोभनों के खिलाफ आत्मा को मजबूत करता है। वो जो परीक्षाएं हमारे ऊपर आती हैं शैतान के द्वारा, उनके खिलाफ हमारी आत्मा को मजबूत करता है। इसलिए यदि आप अच्छे और सच्चे शिष्य बनना चाहते हैं, सदस्य बनना चाहते हैं, तो सब स्कूल पाठ का अध्ययन नियमित रूप से करें। चौथी बात, ये शास्त्रों के संबंध में बुद्धिमान बनने के विशेष अधिकार और अवसर प्रदान करता है। इट प्रोवाइड्स प्रिविलेजेस एंड अपॉर्चुनिटीज टू बिकम इंटेलिजेंट इन रिगार्ड्स टू स्क्रिप्चर। ये हमें मौका देता है कि हम पवित्र शास्त्र के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकें, अवसर प्रदान करता है। पांचवी बात, ये बाइबल का अध्ययन करने का अवसर देता है। सब स्कूल मुझे और आपको, सब स्कूल पाठ मजबूर कर सकता है कि हम बाइबल पढ़ें, और जहां तक जरूरी हो, कभी कभी बहुत जरूरी होता है कि हम बाइबल कॉमेंट्री खोल कर देखें कि सब स्कूल पाठ हमें क्या सिखाना चाहता है। इसलिए भाइयों और बहनों, ये बाइबल का अध्ययन करने का अवसर देता है एक उच्च पवित्र जीवन के लिए हमारा मार्गदर्शक है ये अध्ययन। तो इसलिए सब स्कूल पाठ का अध्ययन करना बहुत ही जरूरी है। छठी बात, ये हमें मसीह के विश्वास के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। The foundational principles of the faith of Christ, it enables us to understand the foundational principles. इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है जो लोग कभी कभार सब स्कूल आते हैं वो बड़े ऊट पटांग सवाल पूछते हैं। सब स्कूल में कभी कभी आते हैं पर ऊट पटांग सवाल पूछते हैं, क्योंकि उन्होंने नियमित रूप से कभी अध्ययन नहीं किया। और ऐसा भी महसूस होता है बस सुबह उठ के मुंह हाथ धोकर वो चले आए, उन्होंने सब स्कूल का पाठ का अध्ययन नहीं किया और कुछ जानते नहीं है, बस
जो शिक्षा देता है या टीचर है उसको नीचा दिखाने के लिए उठपटांग सवाल पूछते हैं, जबकि उन्होंने खुद सब स्कूल पाठ नहीं पढ़ा होता है। अगर हम सब स्कूल पाठ का अध्ययन खुद करें पहले, और कैसे करना चाहिए वो आज मिस्टर बरकत एंड पास्टर हिदायत, आई एम वेरी हैप्पी टू सी हिम इन दिस मीटिंग, वो हमको बताएंगे। पास्टर मिस्टर बरकत ने ये बहुत अच्छा सोचा कि सब स्कूल पाठ का अध्ययन नियमित रूप से रोजाना करना चाहिए, ना कि सबत की सुबह, ना कि सबत का सुबह। तो ये हमें मसीह के विश्वास के मूल सिद्धांतों को समझने में मदद करता है। सातवीं बात, ये हमें ये जानने में मदद करता है कि सत्य क्या है, व्हाट इज द ट्रूथ। दिस हेल्प्स अस, द स्टडी हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ट्रूथ, सत्य क्या है। और यीशु ने खुद कहा, सत्य और जीवन मैं ही हूं, सत्य और जीव। सब स्कूल पाठ हमें अपने प्रभु, अपने मुक्तिदाता उद्धारकर्ता को समझने में मदद करता है। आठवीं बात, इस प्रकार अध्ययन से प्राप्त अनमोल ज्ञान, ये सब स्कूल पाठ के अध्ययन से प्राप्त अनमोल ज्ञान आत्मा के चारों ओर एक बाड़ का निर्माण करता है। बाड़ा जिसको हेज, आत्मा के चारों तरफ एक सुरक्षा कवच निर्माण करता है ताकि शैतान उसमें दाखिल ना हो सके या घुस ना सके। नौवीं बात, मैं जल्दी करूंगा क्योंकि पास्टर हिदायत को मैं पूरा समय देना चाहता हूं। नौवीं बात, परमेश्वर शास्त्र की अथक खोज से प्राप्त ज्ञान को हमारी स्मृति में, हमारी याद में उस समय उजागर करेगा जब हमें इसकी आवश्यकता होगी। बाइबल कहती है, भविष्यवाणियां कहती हैं, और मिसेस एलन जी वाइट के लेखन हमें कहते हैं कि अंतिम समय में हमारे पास ये पवित्र शास्त्र नहीं रहेगा। और सब स्कूल पाठ हमें इस चीज में मदद करता है कि अथक खोज से प्राप्त ज्ञान हमारी याद में इकट्ठा या जमा हो जाता है, और जब हमें उसकी जरूरत होगी तो पवित्र आत्मा उसे हमें उजागर करेगा, हमारे लिए उजागर करेगा। इसलिए बाइबल कहती है, ये मत सोचो कि प्रधानों के सामने आपने क्या बोलना है, कैसे बोलना है। यदि हम सबत स्कूल पाठ का अध्ययन नियमित रूप से करें तो पवित्र आत्मा हमारी स्मृति से वो बातें उजागर करेगा ताकि हम उनका जवाब सही तरीके से सही समय पर दे सकें। इसलिए भाइयों बहनों, अंतिम समय की तैयारी करने के लिए सबत स्कूल पाठ का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। और दसवीं और आखिरी बात, ये आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए पोषण को बनाए रखता है। जिस प्रकार हम शरीर को बनाए रखने के लिए हर बार दिन 3 बार भोजन करते हैं, उसी प्रकार सब स्कूल लेसन का अध्ययन रोज करने से ये हमारी आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए पोषण बनाए रखता है, भोजन देता है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हर रोज एक नियमित समय निकालें, एक स्पेसिफिक समय सेटल करें कि हम सब स्कूल का पाठ हर रोज उसे पढ़ें और सबत की सुबह उसका फिर से रिव्यू करें। बौद्धिक प्रशिक्षण के साधन के रूप में शिक्षा, जो किताब मिसेस एलन जी वाइट ने लिखी है, शिक्षा, उसका पृष्ठ 251 252 में मिसेस एलन जी वाइट कहती हैं, बौद्धिक प्रशिक्षण के साधन के रूप में, एज अ मीन्स ऑफ इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग, सबत के अवसर अमूल्य हैं। सबत स्कूल के पाठ को सबत की सुबह जल्दबाजी में नहीं, सबत स्कूल के पाठ को सबत के सुबह जल्दबाजी में नहीं, बल्कि सप्ताह के हर दिन सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और दैनिक समीक्षा करें। हाँ, बहुत अच्छा ये आपने मिस्टर बरकत ये सोचा, और ये मिसेस एलन जी वाइट के द्वारा हमें हिदायत दी गई है। अगर आप पढ़ना चाहें तो शिक्षा, जो उनकी एजुकेशन, जो उनकी किताब है, उसका 251 और 52 पृष्ठ पे लिखा है कि सबत के दिन सबत स्कूल पाठ को जल्दी जल्दी में ना पढ़ें, कि बस
9:15 बजे से पहले 8 बजे पढ़ना शुरू करें, और फटाफट पढ़ के थोड़ा बहुत कच्चा पक्का पढ़कर सब स्कूल में चले जाएं और बेमतलब की बहस करें नहीं, बल्कि सप्ताह के हर दिन सावधानी पूर्वक अध्ययन करें और दैनिक समीक्षा करें, रोज उसकी समीक्षा करें, रिव्यू डेली। इस प्रकार पाठ स्मृति में स्थिर हो जाएगा, इस प्रकार द लेसन विल गेट सेटल्ड इन आवर मेमोरी, विल गेट सेटल्ड इन आवर मेमोरी हो जाएगा, एक खजाना जो पूरी तरह से कभी नहीं खोया जाएगा, ऐसा खजाना जो हमारे दिमाग में मस्तिष्क में बैठ जाएगा। सो भाइयों बहनों, ये स्पष्ट है कि सब स्कूल के पाठ का अध्ययन हमारे सदस्यों के लिए, उनके आत्मिक विकास के लिए और उन्हें दूसरों के साथ उद्धार की खुशखबरी साझा करने के लिए, सुसज्जित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम एक दूसरे को सब स्कूल के पाठ का अध्ययन करने में अधिक समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें। ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम केवल सातवें दिन नहीं परंतु हर रोज सब स्कूल पाठ का अध्ययन करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करें। और जो लोग यहाँ जुड़े हैं, लगभग 46 लोग जुड़े हैं, अगर आप लीडर्स हैं और चर्च में आप एक सदस्य हैं तो ये बात आप जरूर जाकर लोगों को अपने चर्च में बताइए कि नियमित रूप से सब स्कूल पाठ का अध्ययन करने से क्या लाभ हमें मिलते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अजीज मेहरबान पिता परमेश्वर, निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि तूने जगह जगह से चुनकर हमें इस मंडली में लाया है जहां हम तेरे बारे में, तेरे अत्यंत प्रयास के बारे में जो तूने हमारे लिए किया है उसको सीख सकते हैं। आज की सभा के ऊपर तेरी खास आशीष बनी रहे, जब इसमें हमें हिदायत दी जाती है, बताया जाता है कि हमें सब स्कूल पाठ का अध्ययन कैसे अनिवार्य रूप से करने की आवश्यकता है, नियमित रूप से करने की आवश्यकता है। काश तो अपनी पवित्र आत्मा के जरिए इस सभा का संचालन कर और जो भी वचन, जो भी शब्द बोले जाते हैं वो तेरे ओर से हो, हर एक को अपनी आत्मा से भरपूर कर और जितने भी जन इस सभा में सम्मिलित हुए हैं उनको तू अपनी पवित्र आत्मा से मसाकर होने दे कि ये अपने अपनी कलीसियाओं में, अपने अपने चर्च में जाके ये चीज का प्रस्थान करें कि हमें सब स्कूल पाठ का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। मिस्टर बरकत को आशीष दे ताकि वे इस चीज को, ये बेड़ा जो आज उन्होंने उठाया है, पूरी तरह से अच्छी तरह से हर रोज कर सके। हमें जो पाप क्षमा हमने किए हैं, हमें पाप क्षमा कर और अकल और दानिश बख्श कि हम उस धोखेबाज के धोखे में ना आ सकें और अपने आप को तेरे लिए तैयार कर सकें। जब तक तू ना आए पिता परमेश्वर, हम तेरे शास्त्र का अध्ययन करते रहे, तेरी सच्चाई को जानते रहे और अपने आप को मजबूत करते रहे। हमारे पाप गुनाह क्षमा करते हुए पिता, हमने ये प्रार्थना तेरे प्रिय पुत्र और अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगा है, सुनो ग्रहण का, आमीन। थैंक यू सो मच सर, प्रोत्साहन और हिम्मत के शब्द हम सब के लिए बोलने के लिए। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष वीपी सिंह का। 2-4 मिनट का समय लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस कार्यक्रम का परिचय देना चाहता हूँ, ये कार्यक्रम क्या है, क्यों है और इसका लक्ष्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सब स्कूल पाठ आज इसका शुभारंभ हो रहा है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हुए धन्यवाद करना चाहता हूँ हमारे यूनियन के अध्यक्ष पास वीपी सिंह, सचिव पास्टर मोहन भट्टी, खजांची मिस्टर डरल बैंगरा, हमारे डिवीजन के वाइस प्रेसिडेंट और सब स्कूल विभाग के डायरेक्टर पास्टर हिदायत साहब का, जिनके सहयोग, सलाह और समर्थन के कारण आज इस ऐतिहासिक कदम को उठाते हुए इस कार्यक्रम को शुरू किया जा रहा है। पास्टर वीपी सिंह की लीडरशिप में काम करना उनके लिए एक सौभाग्य है जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने का साहस रखते हैं। आउट ऑफ बॉक्स सोचने के कारण ही
नॉर्दर्न इंडिया यूनियन में अनेक बड़े बड़े कामों को अंजाम दिया जा रहा है। एनआईयू प्रेयर मिनिस्ट्री की डेली सेवा इस बात का एक बहुत बड़ा सबूत है। इसके अलावा इस शुभशिप को भी आज हमारी कलीसिया का एक आम सदस्य, एक आम वॉलंटियर भी समझने लगा है ये क्या है और इसके सकारात्मक असर हमें दिखाई दे रहे हैं। सब स्कूल को हम सब कहते हैं, ये हमारी कलीसिया का हृदय है, ऐसा बोलते भी हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि क्या किया जाए कि हमारे कार्यकर्ता और चर्च सदस्य सब स्कूल पाठ का दैनिक अध्ययन करने के लिए प्रेरित हों। मैं भोपाल में था और वहाँ हमारे एक भाई जिनको सब स्कूल पढ़ाने की जिम्मेवारी थी, तो वो चर्च में आने के बाद चर्च में बैठकर जब हम चर्च को सेट कर रहे होते थे तो वो चर्च के वो पाठ को पढ़ रहे होते थे और उसके बाद वो पढ़ाते थे। और ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका समाधान हम उम्मीद करते हैं आज उसकी शुरुआत हो रही। क्या किया जाए कि हमारे चर्च के अधिक से अधिक सदस्य जो है वो सब स्कूल कार्यक्रम में शामिल हों, क्योंकि बहुत से लोग सब स्कूल के बाद आते हैं, डिवाइन सर्विस के बाद आते हैं, सब स्कूल में आना जरूरी नहीं समझते। क्या किया जाए? अगला बात यह है कि क्या किया जाए कि हमारे चर्च के सदस्य जो कुछ सब स्कूल में सीखते हैं उसे अपनी गवाही में शामिल करें और फिर वो अपने मित्रों को, अपने परिचितों को भी प्रभु के संपर्क में ला सकें। चौथी बात, क्या किया जाए कि सब स्कूल की जो हमारी ऑफरिंग है वो बढ़े ताकि जो चर्च के डेवलपमेंट के काम है उनको बढ़ावा दिया जा सके। इसके लिए जरूरत है सब स्कूल पढ़ाने वाले टीचर प्रतिदिन सब स्कूल पाठ का अध्ययन करें। इसका इनडायरेक्ट फायदा ये है कि जब हम सिखाने के लिए सीखते हैं तो हम खुद भी सीखते हैं। तो इसके लिए हमें अधिक से अधिक टीचर्स की जरूरत होगी। जितने ज्यादा हमारे टीचर्स होंगे उतना ही ज्यादा वो सिखाने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा वो सीखेंगे। इसके लिए सब स्कूल को एक और सरमन बनाने से बचाना होगा। दरअसल में जहां सब स्कूल और डिवाइन सर्विस दोनों होती है वहां पर सब स्कूल कार्यक्रम एक और सरमन बन जाता है और लोग डबल सरमन सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसको तो एक भागीदारी का केंद्र बनाना होगा और इसके लिए हमें मिलकर प्रयास करने की जरूरत होगी। अगली बात यह है कि केवल कुछ लोगों को लेकर इस कार्यक्रम को बढ़ाने की बजाय जो हमारे पूरे यूनियन में और दूसरी जगह द बेस्ट माइंड हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, जिनके अंदर काबिलियत है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर लाकर उनके द्वारा कलीसिया को शिक्षित और आशीषित किया जाए। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 और प्रेरितों काम 1:18 के अनुसार ये सुसमाचार दुनिया के आखिरी इंसान तक जाना है। और मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इस कोरोना के लिए जिसने आज हमारी पहुंच को दुनिया के आखिरी सिरे तक पहुंचा दिया है। हम बहुत कम खर्च करके बहुत अधिक लोगों तक सक्रिय रूप से पहुंचने की योजना बना रहे हैं। इसके लिए हमने अपनी यूनियन से, दूसरी यूनियन से, दूसरी डिवीजन से भी बढ़िया से बढ़िया टीचर्स से संपर्क किया है और हम कर रहे हैं। हमने हर एक सप्ताह के साप्ताहिक कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं जिनका काम सॉन्ग सर्विस को अरेंज करना, प्रार्थना करने वालों को अरेंज करना, सब स्कूल जो पढ़ाने वाले होंगे उनका वेलकम करना, उनका परिचय देना और जो डिस्कशन होगा उसमें अगुवाई करना, प्रार्थना सेशन में अगुवाई करना होगा। और इस तरह से उनका सक्रिय रूप से इस काम में शामिल होने से एक बहुत बड़ा काम जो है वो होने वाला है। इसके अलावा हम अंतरराष्ट्रीय हिंदी सब स्कूल नाम से एक फेसबुक पेज बनाएंगे और उसके जरिए से ये कार्यक्रम लाइव हर दिन जाएगा। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय हिंदी सब स्कूल नाम से यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा और जिस पर हर दिन का वीडियो एडिट करके अपलोड किया जाएगा। और हम उम्मीद करते हैं आप सबकी सलाह और सहयोग के द्वारा ये विभाग कलीसिया के लिए एक बड़ी आशीष का कारण बनेगा। लेकिन आप जानते हैं किसी भी काम की शुरुआत सफलता के पीछे योगदान होता उन लोगों का जो प्रेरणा देते हैं।
जो सहायता देते हैं, जो सैक्रिफाइस करते हैं। और इस कार्यक्रम को जन्म देने के पीछे भी कुछ खास लोगों का हाथ है, और उन लोगों का हाथ है तमिल अंतरराष्ट्रीय सब स्कूल पार्ट वालों का, जो लगभग 2 साल से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं। उन्होंने हमें एक लैपटॉप उपलब्ध करवाया है, उन्होंने इंटरनेट उपलब्ध करवाया है, उन्होंने जूम कनेक्शन का पैसा दिया है, और आगे भी वो इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए हर एक सहयोग करने के लिए धन्यवादी हैं। तो मैं इस समय आई वुड लाइक टू इनवाइट ब्रदर रवि फ्रॉम इंग्लैंड टू कम फॉरवर्ड एंड लेट अस नो अबाउट द गुड पीपल हु आर सपोर्टिंग दिस इंटरनेशनल हिंदी साब स्कूल डेली क्लास। भाई रवि के लिए 2 मिनट का समय होगा और उसके बाद हम पास्टर हिदायत मसीह साहब को सुनेंगे। ओवर टू यू टू योर ब्रदर रवि फ्रॉम इंग्लैंड। Thank you for this opportunity. Also, I'll thank Pastor Bhagat and Pastor DP Singh, the President, NIU, and Pastor Ijad Pesi, and also Pastor Morgan and Cornelius Kishore. Thank you for the good support. Praise to be the Lord Almighty for this wonderful opportunity for the spreading God's word through this technology of the Zoom in the North India Union. When Pastor Bhagat and Auntie Varel and another pastor also voiced this to me, it was so happy in this field of the spreadings of international Hindi Sabbath school lesson to reach out to the Hindi community. As you all know, we are doing the Tamil International Sabbath school to reach all the communities. It is encourage all of our leaders, North India leaders and union leaders, some division leaders and brothers and sisters. It is in the Christ to join in this international Hindi Sabbath school lesson and pray for this growth, that is many soul will be drawn to the Christ. Amen. Okay. So, ab hum ruk karenge Pastor Hidayat Masih Sahab ke liye, Southern Asia Division. Sir, this is your time. Good evening and welcome. Good evening, good morning, and good afternoon. We have a very important people with us. I know Mrs. Chandra from USA. She's always with the Tamil Sabbath School, and I've seen her teaching in Tamil. Also, we have Mr. Ravi from UK. And Dr. Varinda Arora from Thailand. Maybe some more are there. I do not know them personally, but I'm happy that our people from USA, UK, sabhi ke sabhi hamare beech mein hai. Main aap sabhi ka dhanyavad karta hoon ki aaj ka jo shubh aarambh kiya ja raha hai. हिंदी अंतरराष्ट्रीय हिंदी सैबस स्कूल डेली सैबस स्कूल उसमें आप जो है आए हैं मिस्टर रवि आपका धन्यवाद करता हूं। मुझे नहीं ये पता था कि यू आर डायरेक्टली सपोर्टिंग हमारे हिंदी का सैबस स्कूल जो डेली हो या दुनिया भर के लोग जो हैं सैबस स्कूल को जो सीख सके। मैं आपको बताना चाहता हूं कुछ दिन पहले पास्टर बरकत ने मेरे को फोन किया कि हम ये प्रोग्राम करना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सैबस स्कूल हर रोज जो स्टडी किया जाए। तो मेरा एक सवाल था, मैंने कहा यह तो बड़ा अच्छा प्रोग्राम है लेकिन हमारा जो है अंतरराष्ट्रीय हिंदी सैबस स्कूल ऑलरेडी जो हुआ है उसके साथ किसी भी तरीके से क्लैश नहीं होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि नहीं, मैं गुजरात वाले लोग जो हमारे भाई हैं
उनसे बातचीत करके फिर आपसे बात करता हूँ। तो बात करने के बाद जो है उन्होंने मेरे को लिखा और मैं बहुत खुश था कि इन्होंने आपस में अंडरस्टैंडिंग यू की है ताकि क्लैश नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा टैमल इंटरनेशनल टैमल सेवा स्कूल स्टडी जो डेली होती है उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और उन्होंने ऑलमोस्ट 2 साल होने वाले 500 दिन जो है वो कंप्लीट किए हैं मेरे कल 2 महीने पहले। ऑलमोस्ट 2 साल जो कंप्लीट होने वाले हैं। उसके अलावा हमारे डिवीजन में कन्नड़ा कर्नाटका की जो भाषा है उसमें भी ये चल रहा है। मेजों का जो है वहाँ भी हो रहा है। तो सब स्कूल डायरेक्टर होते हुए इससे बढ़िया मुझे खुशी और कुछ भी नहीं मिल सकती। जब सब स्कूल जो है उसका उसकी बढ़ोतरी के लिए अलग अलग तरीके जो अपनाए जाते हैं ताकि परमेश्वर का काम जो वो बड़े अच्छे तरीके से हो सके। मैं धन्यवाद करता हूँ हमारे उत्तरी भाग यूनियन के प्रेसिडेंट के लिए सदर के लिए जिन्होंने बड़े अच्छे तरीके से शुरुआत किया। मैं ब्रदर सिंह हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप डेली बाइबल स्टडी करते हैं तो आप 10 साल में जो बड़े अच्छे प्रीचर बन सकते हैं, बहुत अच्छे जो है परमेश्वर को वचन परमेश्वर का वचन जानने वाले बन सकते हैं। और आज जो है वो आपने बताया कि जब आप रुड़की में स्टडी करते उस समय से लेकर आज तक जो आप सब स्कूल सीखते आए हैं और जिसकी वजह से जो परमेश्वर ने आपको बड़ा अच्छा ज्ञान दिया है, मैं सोचता कि हम सभी को परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए डेली जो हर रोज जो है सब स्कूल का अध्ययन करना चाहिए। पास्टर सिंह ने बड़े अच्छे तरीके से 10 पॉइंट जो हमारे सामने पेश किए हैं। जब उन्होंने ये काउंसिल ऑन स्टुअर्डशिप वर्क 115 पेज जो है मेंशन किया तो मैं सोच रहा था पास्टर सिंह ने तो जो मैंने बोलना था वो ले लिया है, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने जो वो लिया उसके अलावा भी आपने कुछ पॉइंट रखे 10 पॉइंट जो कि बहुत ही जरूरी है। परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी लीडरशिप में आशीष दे ताकि आपकी लीडरशिप के अधीन परमेश्वर का काम जो सब स्कूल के द्वारा बढ़े और बहुत सारे लोग जो है आपने आपको परमेश्वर की आगमन के लिए तैयार कर सकें और भी बहुत सारे को तैयार कर सकें। मैं 2 चीजें पहले बताना चाहता हूं कि सब स्कूल का जो ऑब्जेक्ट क्या है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द सब स्कूल, जो सब स्कूल का जो ऑब्जेक्ट है, क्या निशान है, क्या कार्य है, ये है कि लोगों के रूहों को इकट्ठे करना और गोल जो है वो है टू मेक डिसाइपल्स, लोगों को परमेश्वर का शिष्य बनाना, रूहों को जीतना और उनको मसीह के शिष्य बनाना, ये जो है सब स्कूल का मेन जो काम है। सब स्कूल जो है ये बहुत ही एक चर्च का जो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत ही जरूरी है। इट इज हार्ट ऑफ एंड माइंड ऑफ द चर्च। ये जो है सब स्कूल जो है
जैसे हमारे शरीर का दिल है और मस्तिष्क है, माइंड है, उसी तरीके से सैबत जो है हमारे चर्च का बहुत ही जरूरी हिस्सा है। अगर हमारा दिल जो है वो काम नहीं करता, मुझे पता कई बार मैंने जब ट्रेनिंग करने के लिए कराने के लिए गया तो मैं अपने शरीर का हिस्सा कैसे ये जरूरी हर पार्ट जो है हमारे शरीर का वो जरूरी है, हमारे हाथ भी जरूरी है, आंखें भी जरूरी है, मुंह भी जरूरी है, टांगे, एवरी पार्ट, हर हिस्सा जो है हमारे शरीर का वो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये शरीर का हिस्सा कुछ दूसरे नहीं है, जैसे मैं अगर हाथ नहीं है तो मैं मरूंगा नहीं, जिंदा रहूंगा, चाहे कि मेरे हाथ नहीं है, मुझे जरूरत पड़ेगी दूसरों की मदद के लिए, लेकिन जिंदा रह सकता। लेकिन अगर मेरा दिल नहीं है तो मैं जिंदा नहीं रह सकता। अगर मेरा माइंड नहीं है तो मैं सोच क्या नहीं कर सकता, आगे कैसे बढ़ना है वो नहीं कर सकता। इसलिए जैसे हमारा माइंड और दिल जो है वो हमें जिंदा रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए जरूरी है, इसी तरीके से हमारा चर्च, हमारे चर्च में सैबत स्कूल जो बहुत बहुत ही जरूरी है। हम जो कैसे सैबत स्कूल के द्वारा दूसरों के पास पहुंच सकते हैं, पहली बात तो ये रीच अप, कैसे हम ऊपर पहुंच सकते हैं। और जब हम रीच अप के बारे में स्टडी करते हैं तो ये कि हमारे सैबत स्कूल के द्वारा जो बाइबल स्टडी का और प्रेयर का, बाइबल स्टडी और प्रेयर जो है वो सैबत स्कूल का हिस्सा है, तो ये जो है हमें हमारे सैबत स्कूल में जब हम करते हैं तो हमें मौका मिलता है कि हम कैसे परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, कैसे हमारे चर्च में बेदारी आ सकती है और कैसे हम दूसरों को भी परमेश्वर के पास ला सकते हैं। और अगर हम दूसरों को परमेश्वर के पास लाना है तो हमारे सैबत स्कूल में उसमें जो है कैसे हम तब्दीली ला सकते हैं, कैसे उसको हम और जोर जो दे सकते हैं, कैसे हम और उसको रिवाइव कर सकते हैं, तो उसको करने के लिए हमारे ट्रेनिंग जो है सैबत स्कूल जो के जो लीडर्स हैं, टीचर्स हैं, ट्रेनर्स हैं, उनकी ट्रेनिंग जो होना बहुत ही जरूरी है। और यही नहीं कि उसको यूनियन में ट्रेनिंग हो, बल्कि हमारे सेक्शंस में, कॉन्फ्रेंस में और यहां तक कि हमारे लोकल चर्चेस में जो ट्रेनिंग होनी चाहिए। अगर हमने जो आज बीड़ा उठा रहे हैं अंतरराष्ट्रीय हिंदी सैबत स्कूल डेली हर रोज, उसको हमने सक्सेसफुल कामयाब करना है तो हमारे हर लेवल पे ट्रेनिंग जो होनी चाहिए, हर लेवल पे। मिसेज एलन जी वाइट ये कहती है कि हमारे हमारे चर्चेस जो हैं ये ट्रेनिंग सेंटर जो होने चाहिए, हमारे पास्टर जो हैं, जो लीडर्स हैं, वो ट्रेनर ट्रेनिंग देने वाले होना चाहिए। अजीजों, भाइयों और बहनों, अगर हम ये प्रोग्राम बनाते हैं कि हमारा हर चर्च जो है वो ट्रेनिंग सैबत स्कूल ट्रेनिंग सेंटर हो, तो मैं आपको बताना चाहता
कि हमारा चर्च जो है वो बड़ा मजबूत होगा, चर्च के सदस्य जो हैं उनका रिलेशनशिप जो है वो परमेश्वर के साथ और मजबूत होगा। दूसरी बात यह है कि जब हम कैसे हम वह क्यों हम जो है कैसे जो हम परमेश्वर के पास पहुंच सकते हैं, इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल अटेंडिंग द साइबर स्कूल। पास्टर सिंह ने अभी मेंशन किया है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि साइबर स्कूल जब वो जरूरी नहीं है, साइबर स्कूल जरूरी नहीं है, हम डिवाइन सर्विस में चले जाएंगे वो जरूरी है। मैं डिवाइन सर्विस को कंडम नहीं करता हूं, वो एक हमारे चर्च का हिस्सा और होना चाहिए, लेकिन हम जो है ये नहीं कह सकते हैं कि हम जो है डिवाइन सर्विस में ही चले जाएंगे तो हमारी जिम्मेवारी पूरी हो जाएगी। नो, फर्क यह है कि डिवाइन सर्विस जो है उसमें एक जन जो बोलता है और बाकी सब सुनते हैं, सुनते हैं जो जो भी है अच्छे तरीके से सुनते हैं, जहां नहीं लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि वो सुनते हैं। लेकिन साइबर स्कूल में जब हम आते हैं तो हम सभी जो है उसमें शरीक होते हैं, उसमें शरीक होने के लिए, हिस्सेदार होने के लिए, हिस्सा लेने के लिए हम अपने घरों में जो है वो साइबर स्कूल का अध्ययन करेंगे। और फिर उसमें जब हम साइबर स्कूल में आएंगे तो हम जो है उसमें डिस्कशन में सोच विचार जब हम करते हैं तो उसमें हिस्सा ले सकेंगे। तीसरी बात जो है, आज हमारे पूरे के पूरे दुनिया भर में, नॉट ओनली हमारे सिर्फ डिवीजन में या नॉर्दर्न यूनियन में या किसी भी सेक्शन में या रीजन में ही जो साइबर स्कूल ऑफरिंग जो कम हुआ है, बताना चाहता हूं कि हर यूनियन हर सेक्शन में साइबर स्कूल ऑफरिंग जो है वो हैज ड्रॉप डाउन, कम हुआ है। लेकिन जब हमारे लोग साइबर स्कूल को अटेंड करेंगे और समय पे साइबर स्कूल में आएंगे तो ये हमारी समस्या जो है, ये जो प्रॉब्लम आई है, ये अभी कोरोना के टाइम पे नहीं बल्कि उससे पहले से ये हुआ है, वो जो है वो खत्म होगी। हम जो एक दूसरे मेंबर को जो इनकरेज करेंगे कि कैसे वो परमेश्वर के नजदीकी में आ सकते, दूसरा जो है वो क्यों जो साइबर स्कूल के द्वारा जो हम कैसे परमेश्वर के पास जा सकते हैं, रीच इन के कैसे हम चर्च के बीच में जो है लोगों के पास जो जा सकते हैं। हमारी जो जब हम साइबर स्कूल में आते हैं तो हम प्रोग्राम बनाते हैं कि कैसे हम उन लोगों के पास जा सकते हैं जो किसी वजह से जिनको चोट लगी है, जब वो चर्च से थोड़े नाराज हुए हैं या किसी और कारण से वो साइबर स्कूल में नहीं आ रहे हैं या मिसिंग, हम प्रोग्राम करते हैं कि कैसे उनको विजिट किया जाए। प्रेयर और डिस्कस करते हैं कि कैसे हम चर्च ओ फैमिली जो चर्च में नहीं आते हैं या अब उतने वो एक्टिव नहीं है, चाहे नौजवान हो, औरतें हो या आदमी हो, कैसे हम उनके पास जाकर उनकी जो अगुवाही कर सकते हैं, उनको उत्साहित कर सकते हैं कि वो सब स्कूल में आए, और उन लोगों को जो चर्च से या सब स्कूल से दूर चले गए हैं उनको कैसे वापस जो ला सकते हैं, कैसे हम जो है उनको ट्रेनिंग में जो
हिस्सेदार बना सकते हैं। कैसे हम साइबर स्कूल क्लास में जो है उनको जो सिखा सकते हैं, जब वो वापस आते हैं कि साइबर स्कूल में आना जो है वो कितना जरूरी है। तीसरी बात जो है हम सीखते हैं साइबर स्कूल के द्वारा कि वो लोग जो हमारे चर्च के नहीं है उनको हम कैसे चर्च के बारे में बता सकते हैं। अजीजों मैं बताना चाहता हूं, ये कंडम नहीं मैं किसी को भी कर रहा हूं कि ये, लेकिन ये हकीकत है, हम ज्यादातर जो है आपस में ही मेल जोल रखते हैं, दूसरे लोगों के साथ जो है हमारा मेल जोल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। अभी पास्टर सिंह जो है वो नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के सदर हैं और मैं भी वहां जो 5 साल था तकरीबन 11-12 साल पहले, 16-17 साल पहले मैंने शुरू किया, 5 साल वहां था। मैं आपको सच बताना चाहता कि 5 साल रहते हुए बहुत कम लोगों, एडवेंटर्स फैमिली के अलावा बहुत कम लोगों से मेरा मेल जाए, बहुत कम लोगों से 5 साल तक। आई डिडंट नो कि हमारे आस पड़ोस में जो कितने लोग रहते हैं कितना हमारा उनके साथ मेल जोल है। आज हमें जो जरूरी है, अगर हम दूसरे लोगों के पास परमेश्वर के वचन में के साथ जाना है तो भी हमें जो है अपने आस पड़ोस के लोग, कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके पास जाने के लिए हमें प्रोग्राम बनाने की जरूरत है, उनके साथ कैसे ट्रीट करना है। मुझे पता है जब दिल्ली में ही था तो एक दिन मैं घूम रहा था सामने और एक हमारे बंगा हाउस से जो है डिप्टी सेक्रेटरी था वहां का, वो भी घूम रहे थे तो मैंने उनको, नाम तो मुझे भूल गया है, उनको मैंने विश कर दिया, हेलो गुड मॉर्निंग। उन्होंने बड़े खुशी से मेरे साथ जो बातचीत की, हेलो गुड मॉर्निंग। आई सेड सर वेयर डू यू लिव, तो ही टोल्ड मी ओह दिस इज बंगा हाउस, आई एम देयर। आस्क्ड हिज नेम आल्सो, ही टोल्ड मी हिज नेम, आई एम फॉरगेटिंग नाउ। देन मैंने भी अपना जो है बताया। उसके बाद जो है कई दफा हमारी मुलाकात हुई, विश करते थे कैसे आपका परिवार, कैसे काम चल रहा है, तो ऐसे बातचीत जो होती रहती थी। मैंने उनको कभी भी बाइबल स्टडी जो नहीं दी थी और क्योंकि सुबह सुबह घूमने के लिए निकलते थे उसके बाद कभी, और ना ही मैं कभी उसके उनके ऑफिस में गया। आई विश, मैं चाहता कि उन्हें जाना, उनके पास जाना चाहिए था जो कि मैंने मिस किया। ओके, तो हमें क्या करना चाहिए, उनके साथ मिलना चाहिए और वही तरीका अपनाना चाहिए जो खुदावन यीशु मसीह का था। He went, he mingled with the people. हमें जो है साइबर स्कूल के द्वारा कैसे लोगों के पास जा सकते हैं, we need to mingle with the people, लोगों के साथ जाकर उनके साथ मेल जोल करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम को समझना चाहिए, उनकी प्रॉब्लम में हम कैसे मदद कर सकते हैं। और ऐसे जो है जब हम उनकी प्रॉब्लम में को मदद, उनकी मदद जो कर सकते हैं, तो हम जो उनका कॉन्फिडेंस जो है, उनका विश्वास जो वो जीतेंगे, जब हम उनका विश्वास जीत लेते हैं तो फिर हम उनको दावत दे सकते हैं कि आइए परमेश्वर के पीछे हो। अजीजों ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी कम्युनिटी में, अपने आसपास के लोगों में, हमें लोग जाने के लिए कौन है, हम लोगों को जाने के लिए कौन है, वो हम में थोड़ी कमी रही है। दिल्ली में नहीं, वो मैंने उदाहरण इसलिए दी है, पास्टर सिंह जो है उनका रिलेशनशिप बहुत बढ़िया है, 100% बेटर देन मी, आई एडमायर हिम एंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन।
बट लेकिन जो मेरी प्रॉब्लम थी मैंने आपको बताई कि उस समय जो है हमारी ज्यादा जो जान पहचान नहीं, इवन हमारे बैंक में हमारी नहीं, हमें जो है बैंक में भी हमारे जो हेल्पर हैं उनके द्वारा ही जाना जाता था, उनके द्वारा ही जाना जाता था। दूसरी बात जो है, अगर हम चर्च को आगे जो बढ़ाना है सब स्कूल के द्वारा, तो हमारा ब्रांच सब स्कूल जो है वो मॉडल होना चाहिए। पहले जो हमारे ब्रांच सब स्कूल होते थे, आजकल बहुत कम हो गए, हो सकता है कि यूनियन में जो है थोड़े बड़े हों, आई प्रेज गॉड, उसके लिए परमेश्वर का महिमा करता हूँ। उसके अलावा भाइयों, हमें दूसरे लोगों के लिए प्रेरित करना चाहिए। क्या कभी हम दूसरे लोगों के लिए प्रेरित करते हैं? क्या उनकी जरूरतों के समय उनकी मदद करते हैं? लास्ट नाइट जो है हमारे असूर चर्च में जो नौजवान जो थे, पीसीएम का प्रोग्राम जो उन्होंने पेश किया और उन्होंने गवाही दी, वो स्टूडेंट जो सेवन डे एडवेंटिस्ट हैं, उन्होंने वो जो है दूसरे कैंपस में है स्टडी कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में, और उन्होंने अपने खास करके लड़कियों ने, सभी लड़कियों ने ही अपनी गवाही दी। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने गवाही थे की कि कैसे वो जो है अपने विश्वास को बिना बाइबल स्टडी दिए हुए उनके ऊपर जो है उन्होंने किया अच्छा असर जो डाला है। हमें जो वो दूसरे लोगों के लिए प्रेयर करनी चाहिए, और जब प्रेयर करते हैं, हर कोई भी ऐसा नहीं है जो ये कहे कि नहीं मेरे लिए प्रार्थना करे, हो सकता है कोई कहे भी, हमें जो उसके लिए माइंड नहीं करना चाहिए, लेकिन उनके लिए प्रार्थना जो करनी चाहिए। हमारे साइबर स्कूल में जो है वो रिवाइवल जो आने की जरूरत है, क्लास जो हमें एक तैयार करनी चाहिए कि कैसे साइबर स्कूल में कि कैसे हम दूसरों के पास जो है पहुंच सकते हैं, और उसमें जो है हमारे टोटल मेंबर इन्वॉल्वमेंट जो होनी चाहिए, जितने हमारे साइबर स्कूल के सदस्य हैं सबको जो इन्वॉल्व करना चाहिए कि कैसे वो दूसरों के पास पहुंच सकते, कैसे पहुंच सकते। ये जरूरी नहीं है कि हम शुरू में ही उनके पास बाइबल स्टडी कराएं, जहां अगर कोई क्रिश्चियन है तो उनको सबसे पहले जाते ही सबत का कहेंगे, सबत जो सच है तुम झूठ हो। नो, देयर इज वे दैट मेथड, वो तरीका जो खुदावन यीशु मसीह ने हमें सिखाया, वो ही जो हमें इस्तेमाल करने की जरूरत है। भाई और बहनों, हमारे पास बीच में जो लीडर्स भी हैं, चर्च में सदस्य भी हैं, पास्टर साहबान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे हर चर्च में जो है सबत स्कूल होना चाहिए। देयर आर सम चर्चेस ऑल ओवर द सदर्न एशिया डिवीजन, आई डोंट नो अबाउट दूसरे डिवीजन में, यहाँ जो सबत स्कूल नहीं होता है, सबत स्कूल नहीं होता है, वहां जो है सिर्फ डिवाइन सर्विस होती है, और डिवाइन सर्विस भी ऐसे नहीं है यहाँ एक पास्टर या कोई एल्डर पूरी तैयारी के साथ आया है कि मैंने ये पेश करना है। हमारा सबत स्कूल जो है हर चर्च में होना चाहिए। अगर जहां नहीं है, आप इस चीज को मत देखें कि हमारे चर्च बिल्डिंग होना चाहिए, उसकी अगर चर्च बिल्डिंग है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो सबत स्कूल जो कहीं भी हो सकता है, पेड़ के नीचे भी कर सकते हैं, किसी के घर में भी कर सकते हैं, यहां भी दो एक जो इकट्ठे हो सकते हैं, वही हमारा सबत स्कूल जो हो सकता। अगर एक भी नहीं है तो हम अपने परिवार के साथ भी जो सबत स्कूल कर सकते हैं, डेली जो कर सकते हैं सबत स्कूल जो वो बहुत ही जरूरी है। बताना चाहता हूं कि सबत स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है जनरल कॉन्फ्रेंस में, और यहां भी हम रेगुलर जो है हर चर्च के सदस्य को बच्चे से लेके बूढ़े तक
सैबथ स्कूल में इन्वॉल्व करने के लिए जनरल कॉन्फ्रेंस से हमें जो मटेरियल आता है, जो कि बच्चों के लिए होता है, जो 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है, उनके लिए बिगिनर सैबथ स्कूल गाइड जो आती है, और किंडरगार्टन के लिए जो 3 साल से लेकर 5 साल के बच्चे आते हैं उनके लिए आता, प्राइमरी क्लास के लिए जो 6 से लेकर 9 वर्ष तक होते हैं, जूनियर्स के लिए, टीनेज के लिए जो 13 से लेकर 19 ईयर तक के हैं, और उसके बाद जो है हमारा अदर हम जो है एक और सब स्कूल क्वार्टरली है, जो कॉलेजिएट क्वार्टरली है वो हम लोग नहीं करते हैं। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि वो भी शुरू किया जाए, लेकिन एक यूनियन ने आंसर दिया था, दूसरों का ये था कि हमारे जो बड़े हो जाते हैं 18 से लेकर 35 तक जो कॉलेजिएट स्टडी करते हैं दूसरे डिविजन्स में है, लेकिन हमारे नहीं है। उनका जवाब था कि ये सभी जो है हमारे एडल्ट सब स्कूल स्टडी गाइड में जो हिस्सा लेते हैं, इसलिए हमने वो नहीं किया। ये सब के सब जो है मटेरियल जो आता हमारे पास उसको प्रिंट किया जाता है, और जैसे ऑर्डर होता है उसके अनुसार जो है हम भेजते हैं। बहुत सारे चर्चेस हैं वहाँ जो है बच्चों को जो निगलेक्ट किया जाता है। भाइयों मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमने बच्चों को ट्रेनिंग नहीं किया दिया है तो हमारे सैबथ स्कूल की एंड हमारे जो चर्च की जो लाइफ जो है वो बहुत कम है। चिल्ड्रन बच्चे जो हैं छोटे से लेकर बड़े तक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दे आर द चर्च, दे आर द चर्च फॉर टुडे, वो आज के लिए और आने वाले समय के लिए वो चर्च हैं। हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, उनको हम छोड़ नहीं सकते। उनके लिए जो है शिक्षा के, उनकी शिक्षा के लिए जो मटेरियल तैयार किया गया है वो हमें उनके सामने पेश करना चाहिए, प्रोग्राम बनाना चाहिए कि उस चीज को सीखे। छोटे छोटे बच्चे जो वो भी सीख सकते हैं, ये बहुत जरूरी है। मैंने एक और चीज देखी है, जैसे पास्टर सिंह और पास्टर बरकत ने भी ये कहा कि बहुत कम लोग जो आते हैं, ये सही बात है कि बहुत कम लोग जो सब स्कूल में आते हैं, ज्यादातर चर्चेस में, डिवाइन सर्विस में चर्चेस में जगह नहीं होती। सब स्कूल में जो है वो कम, बहुत सारी जगह जो खाली होती है। मैं स्टडी कर रहा था कि कितने परसेंट जो है हमारे लोग जो हैं वो सैबथ स्कूल में नहीं आते, मोर देन इन द बिगनिंग, शुरू में जो सैबथ स्कूल शुरू होता है 40% से ज्यादा लोग जो हैं वो सैबथ स्कूल में नहीं होते हैं, नॉट मोर देन 40%। शुरू में तो एकदम दो एक ही होते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद जो 40% हो जाते हैं, 100% कभी भी नहीं। क्या कारण है, क्यों नहीं आते? अलग अलग कारण हो सकते हैं, हर चर्च की कोई आप अपनी जो प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी मैं कभी ट्रेनिंग के लिए गया तो मैंने ये सवाल लोकल लीडर्स से, जो चर्च के लीडर्स सब स्कूल के लीडर्स हैं, उनसे बातचीत की कि क्यों नहीं ऐसे होता। तो ज्यादातर सारे लोग जो हैं वो काम पे चले जाते हैं, लोग जो है लेजी हो जाते हैं, आराम से उठते हैं, आराम से उठने अभी तो यहाँ कहीं भी हम काम करते हैं, और जो हमारा फिक्स है काम पे जाने का टाइम, वो हमें अपॉइंटमेंट जो है हमारी हम समय पे मिलना चाहते हैं। व्हाट व्हाट गॉड, ये तो हमारी खुदावन खुदा के साथ जो समय मुकर्रर है कि इस समय हमें परमेश्वर के पास जो जाना है, क्या वो हमारा उतना जरूरी नहीं है? या और भी जो है कारण है कि लोग सैबथ स्कूल में नहीं आते, जिसके बारे में पास्टर बरकत ने कुछ पॉइंट जो बताए हैं, और उम्मीद है कि आप याद रखेंगे।
कई दफा जो है हमारे चर्च के सदस्य हैं जो है उसका पास्टर के साथ या दूसरे जो चर्च के मेंबर्स हैं उनके साथ जो वो कहना चाहिए जो नाता मजबूत नाता जो होना चाहिए रिलेशनशिप होना चाहिए वो नहीं होता। कई जगह कई दफा जो उनका जो हमारी शिक्षा थियोलॉजी जो है जहाँ हमारा चर्च का जो स्टैंडर्ड है जहाँ हमारे चर्च की जो पॉलिसीज हैं वो फॉलो नहीं कर पाते तो वो चर्च में जो टाइम पे नहीं आते। दूसरा पॉइंट जो है हमारे ये जो मैंने लिए हैं ये हमारा सैबथ स्कूल हैंडबुक से मैंने लिए हैं अनमेट एक्सपेक्टेशन जो उनकी एक्सपेक्टेशन है कि जब वो सैबथ स्कूल के लिए आते हैं तो उनकी ये एक्सपेक्टेशन जो है ये जो उनकी चाहत जो है वो पूरी होगी तो वो नहीं पूरी होती है। मैं ये नहीं कर रहा कि उनकी पैसे की जरूरत है वो पूरी नहीं होती लेकिन जब वो सैबथ स्कूल में आते हैं तो उनको डिस्करेजमेंट पश्चिमति जो उनको मिलती है क्योंकि वो महसूस करते हैं कि सैबथ स्कूल में जो उनको इग्नोर किया जाता है उनका इग्नोर किया जाता है। आप जानते हैं कई दफा जो है कोई नया मेंबर आता तो उनको जो है हम उनका अभिनंदन भी नहीं करते हैं सही तरीके से। बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहता हूं। हमारे एक चर्च में एक जो चर्च का सदस्य आया दूसरे किसी चर्च का तो वो आया बैठा मैंने भी उसको देखा लेकिन मैंने भी उससे बात नहीं की दूसरे किसी ने भी बात नहीं की। अटेंड करके शाम के समय वेस्पर के लिए आया था तो वो चले जाता है। उसके दो तीन सप्ताह जो मैं फील्ड में था लेकिन मैंने मुझे पता चला कि वो आदमी तो आता था और जब वो लास्ट टाइम उसका हमारे चर्च अटेंड करने का समय था तो वो फिर आया और मैंने देखा उसको और मैं ये महसूस कर सका उसके लुक से कि ये हमारा कोई नॉर्थ इंडियन है। तो जो ही मीटिंग खत्म हुई तो मैंने उसको उसके पास गया उससे जाके बातचीत की तो वो थोड़ा हिंदी ज्यादा बोल रहा था इंग्लिश थोड़ी कम थी तो मैंने कहा ये तो अपना ही आदमी लगता है। उसको मैंने बोला आप कहाँ से हो मैं बताना चाहता कहने का मैं झारखंड का। फिर मैंने पूछा आप झारखंड किस जगह के तो फिर उन्होंने कहा रांची। रांची कहाँ के खूंटी। फिर एक और मैं उन्होंने खूंटी कहाँ के तो एक गांव का नाम बताया एक गांव का नाम बताया जो कि ऑलमोस्ट 40 किलोमीटर जो खूंटी से आगे था। तो वहाँ हमारा स्कूल भी है बड़ा अच्छा स्कूल है वो अभी बोर्डिंग स्कूल भी बना हुआ है फॉरगेटिंग नेम टोनिया का था। तो मैंने जब उन्होंने टोनिया का नाम लिया तो मैंने कहा हाँ टोनिया तो मैं गया हूँ तो कहने लगे सर आपका क्या नाम है तो मैंने बताया कि सर हाँ हमें पता है आप जब दिल्ली में थे तो आप वहाँ गए थे लेकिन उस समय मैं वहाँ नहीं था। कह रहा मुझे पता कि आप गए और लेकिन उस समय मैं नहीं था। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ का चर्च जो है वो उतना फ्रेंडली नहीं है दोस्ती वाला नहीं है। मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं है बड़ा दोस्ती वाला है। कह रहे हैं लेकिन नहीं मैं कितनी बार आया हूँ तो किसी ने तो मेरे साथ बातचीत नहीं किया है।
तो मुझे बड़ा मैस फील हुआ, बुरा लगा कि देखो ये हमारा चर्च का सदस्य ही है लेकिन अच्छे तरीके से इनका नाम लेके शायद किसी ने वेलकम नहीं किया होगा, तो इसलिए ये थोड़ा इसको बुरा लगा। तो इसलिए जो है लोग सोचते हैं कि हमें जो है इग्नोर किया गया है। तीसरी बात जो है, बस बरकत यू आर ऑनलाइन लुक लाइक टाइम इज अप एंड यू शुड नो व्हेन यू गिव टाइम टू पास्टर हृदय, फिर वो हटते नहीं है यार, गड़बड़ हो जाती है। एनीवे थोड़ा सा टाइम दूंगा। और उसके अलावा जो है हम जो है कई दफा जब सब स्कूल में लोग आते हैं तो उनको सही जो है जगह जो उनको देनी चाहिए वो नहीं देते और उनको अच्छा नहीं लगता है। लास्ट जो है बताना चाहता हूँ कि हमारे सब स्कूल टीचर्स के बारे में, जिसके बारे में बहुत सारी बात हो चुकी है, ट्रेनिंग जो होनी चाहिए टीचर्स की, जब उनकी ट्रेनिंग होगी तो उनका पता रहेगा कि कैसे मैंने शिक्षा जो देनी है कैसे पढ़ाना है। बहुत दफा जो है जैसे पास्टर सिंह ने कहा कि शाम को वो स्टडी करते हैं या सैटरडे को सुबह ही स्टडी करते हैं, पढ़ाने के लिए सोचते हैं कि मैं पढ़ा लूंगा लेकिन फिर इधर उधर की बातें करते हैं और अच्छे तरीके से सब स्कूल की स्टडी जो नहीं कर सकते। कई दफा जो है सब स्कूल जब पढ़ाते हैं तो सिर्फ बुक से जो पढ़ते रहते हैं वही सवाल होते हैं, लोगों के लिए बोरिंग हो जाता है। और जब वो पढ़ाते हैं कि जैसे उनके दिल में जो है लोगों के की रूहों बचाने का जो वो नहीं होता, वो प्यार नहीं है, और वो सब स्कूल लेसन को जो है इंफॉर्मेशन देने के लिए करते हैं ना कि उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उनके तब्दीली के, वो बहुत जरूरी है। और आखिर में मैं यही कहना चाहता हूँ भाइयों और बहनों, जैसे सबोदेशिक की किताब में लिखा हुआ, जो काम तुझे मिले उसको पूरे तन मन से कर। हम जितने भी हैं हम सभी को ये काम मिला है कि कैसे हम साइबर स्कूल को जो है अच्छे तरीके से पेश कर सकते हैं, कैसे उसको अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हैं, कैसे लोगों को बचाने के लिए साइबर स्कूल को जो इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं बहुत खुश हूं कि ये प्रोग्राम जो नॉर्थन इंडिया यूनियन के द्वारा जो बनाया गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय हिंदी साइबर स्कूल लेसन का आज जो उद्घाटन करें ताकि ये जो है प्रोग्राम जो रेगुलर चल सके। पास बरकत से मैं कहना चाहूंगा, पहले भी मैंने ये स्टेटमेंट की है, इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, इट्स अ एवरीडे प्रोग्राम बनाना, आपको उसकी देखभाल करनी पड़ेगी कि कैसे चल रहा, ना कि किसी को दे दिया कि तुम करो, वो कई तरीके से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। यू हैव टू बी वेरी बिजी, आपको जो आपके कहना चाहिए कि काउंटर पार्ट्स हैं, सहायक हैं जो सेक्शंस में और रीजन्स में, उनको जो है वे खबरदार होने की जरूरत है कि ये जो है प्रोग्राम आज शुरू किया वो ब्रेक ना हो, टूटे ना, बल्कि रेगुलर जो चलता रहे। मेरी यही कामना है कि ईश्वर आप सभी के साथ हो ताकि ये प्रोग्राम जिसका शुभ आरंभ जो आज हो रहा है जो चलता रहे, और हमारे वो लोग जो दुनिया के कोने कोने में बैठे हुए हैं जो हिंदी पढ़ते हैं सुनते हैं लेकिन उनके पास जो हिंदी साइबर स्कूल लेसन हम भेजें, दो तीन कंट्रीज में जाता हिंदी साइबर स्कूल लेसन, और हमारा हिंदी साइबर स्कूल लेसन जो ऑनलाइन भी है, लेकिन जब वो उसको सीखते हैं तो उसका जो मजा ही और होता है, उसका सीखने का जो और अच्छा लगता है। तो मैं आप सभी की भी
तो ये शुभकामना देना चाहता हूँ कि ईश्वर आपके साथ हो, ताकि ये जो आज प्रोग्राम शुरू किया है जे उस समय तक चलता रहे जब तक खुदा यीशु मसीह दोबारा नहीं आते हैं अपने लोगों को लेने के लिए। ईश्वर आप सभी के साथ। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी प्रेरणा के लिए और आज इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए। हम पास्टर मोहन भट्टी साहब को आमंत्रित करेंगे आगे के कार्यक्रम के लिए। धन्यवाद ब्रदर बरकत, आप सबको मेरा सलाम कबूल हो। ब्रदर बरकत ने, पास्टर वीपी सिंह, पास्टर हिदायत और मिस्टर रवि ने बहुत कुछ कहा है, लेकिन मैं भी एक दो बातों के ऊपर जोर देना चाहूंगा। आज हमारा चर्च जो है उसका फोकस है रिवाइवल एंड रेफॉर्मेशन, और इसके लिए बहुत सारे इनिशिएटिव भी चर्च ने लिए हैं, क्योंकि चर्च लीडरशिप महसूस करती है कि चर्च में रिवाइवल और रेफॉर्मेशन आनी चाहिए। और इसमें दो चीजें जो है पैरामाउंट है, दूसरे फैक्टर्स से बहुत सी चीजें हैं, लेकिन टू थिंग्स आर पैरामाउंट, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और पहली चीज है उसमें सिर्फ प्रेयर। प्रेयर क्या है? जब हम प्रेयर करते हैं तो हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। और दूसरी चीज है स्टडी ऑफ द वर्ड, परमेश्वर के वचन को पढ़ना। जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं। सो दोनों चीजें जरूरी है, परमेश्वर से बातचीत करनी और परमेश्वर की आवाज को सुनना। वैसे जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमारे लिए मेंबर या हमारे कुछ वर्कर्स भी वो सब चीजें नहीं समझ सकते, इसलिए हमारे चर्च ने प्रोबेबली सेवंथ डे एडवेंटिस्ट चर्च ही एक ऐसा चर्च है जिसने एक ऑर्गेनाइज्ड बाइबल स्टडी प्लान तैयार किया। क्वार्टरली बाइबल स्टडीज तैयार की जाती हैं और चर्च इन्वेस्ट्स लॉट ऑफ फंड्स, ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड्स प्रिपेयरिंग दिस क्वार्टरली लेसन स्टडीज। बहुत जो वेल क्वालिफाइड हमारे थियोलॉजियंस हैं, दे इन्वेस्ट देयर टैलेंट्स, देयर टाइम एंड देयर एनर्जी टू प्रिपेयर दिस लेसन स्टडीज फॉर अस। इसलिए ये जरूरी है, किनके लिए तैयार की जाती है? वर्कर्स के लिए, लीडर्स के लिए, हमारे जो चर्च के मंडली के सदस्य हैं उन सब के लिए, एंड दे मस्ट अवेल दिस बेनिफिट फॉर देयर स्पिरिचुअल ग्रोथ। और पर्पस क्या है? पर्पस है विटनेस, प्रिपेयरिंग डिसाइपल्स सो दैट दे फर्दर प्रिपेयर द डिसाइपल्स। दैट इज द सोल पर्पस ऑफ सैबथ स्कूल एंड पर्सनल मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। दे कम टूगेदर for lesson study and after the church they go for community outreach, preparing disciples so that they further prepare the disciples। और I'm glad, मुझे खुशी है जब बरकत मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि वो इस daily Bible study के ऊपर एक initiative उन्होंने introduce किया है। ये बहुत ही पहल, बहुत अच्छी पहल करनी है। ये एक vision है to revive the department, to emphasize the importance of daily Bible study. लेकिन इसका पर्पस जो है, we should never lose sight of the purpose, and that is witnessing, prepare disciples to further prepare the disciples, to prepare people to accept the divine call, yes Lord, I am ready to go for witnessing. Therefore, मैं जितने भी सैबथ स्कूल यहाँ के जो चर्च लीडर्स हैं, सैबथ स्कूल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर्स हैं, प्रोमिनेंट चर्च लीडर्स हैं, इंटरनेशनल डिग्निटरीज हैं, सबसे अपील करना चाहूँगा कि वो इस इनिशिएटिव में, इस विजन में पास्टर बरकत की सपोर्ट करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये चीज जो पहुँचाई जाए, ताकि वो लेसन स्टडी का अध्ययन करें हर रोज और खुद आत्मिक रूप में आगे बढ़े और दूसरों को आत्मिक रूप में आगे बढ़ने में मदद करें। आइए हम सब अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करें। जमीन और आसमान के पैदा करने वाले हमारे सच्चे और जिंदा खुदा,
इस दुनिया के रचनहार प्रभु परमेश्वर, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें प्यार किया है और हमें चुन लिया है कि हम तेरे सहकर्मी, तेरे गवाह बने, और तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, प्रभु यीशु मसीह के लिए जो हमारी खातर इस संसार में आया, हमारी खातर उसने अपनी जान सलीब पे कुर्बान की, मौत के ऊपर फतेह पाई और इस समय वो स्वर्गीय हैकल में हम सबकी बनिस्पत हमारे महाजाजक के रूप में, हमारे एडवोकेट के रूप में हमारी दुआओं को आपके सिंहासन तक पहुंचाने के लिए मौजूद है। तेरा शुक्र करते हैं प्रभु, तूने आज तक हम सब की रहनमाई की, हमें जिंदगी दी, हमें हिफाजत होने के बानी में रखा है और अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है प्रभु। तेरा शुक्र करते हैं आज के दिन के लिए कि आज साइबर स्कूल पर्सनल मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ने ये इनिशिएटिव लॉन्च किया है। मैं खास मेहनत करता हूँ ब्रदर बरकत, उसकी टीम और अपने चार सारे सदस्यों के लिए प्रभु, सबके साथ को, जितने भी लोग इसकी हमायत करते हैं प्रभु, तो उन सबको अपनी आशीष और बरकत देना। काश के तेरा आत्मा उन सबको भर दे और वो नया जोश पाए, नई हिम्मत पाए और आत्मिक रूप में आगे बढ़े और दूसरे लोगों को भी तेरे गवाह बनाने के लिए तैयार कर सके। हमारी इस दुआ को सुना कबूल कर, मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सर। अभी हम सीधे रुक करते हैं कोलकाता का, मिस्टर कर्नेलिस किसको हमारे बीच में है, ओवर टू यू सर। धन्यवाद, गुड इवनिंग आप सबों को फिर से। नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के साबत स्कूल डिपार्टमेंट की ओर से मैं आज के जितने भी हमारे इस शुरुआती ये प्रोग्राम में आज भाग लिए उनको साबत स्कूल डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद देना चाहते हैं। सबसे पहले पास्टर वीपी सिंह, जिन्होंने ओपनिंग रिमार्क, शुरुआती रिमार्क ये इंटरनेशनल साबत स्कूल डेली स्टडी के विषय में बताया और उन्होंने बहुत सारे बिंदुए हमें बताए कि किस तरह से साबत स्कूल पढ़ने से हमें आत्मिक के लाभ प्राप्त होगी, और इसके लिए हम पास्टर वीपी सिंह को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके बाद पास्टर हिदायत मसीह, जिन्होंने भी ये साबत स्कूल हमारा मंडली का कितना जरूरी एक भाग है, जिससे हमें इसमें भाग लेना चाहिए, उन्होंने भी बहुत सारे बिंदुए बताए कि किस तरह से साबत स्कूल हमें रोज पढ़ने से आत्मिक लाभ हमें किस तरह से मिलता है। हम पास्टर हिदायत मसीह को भी इसके लिए बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। इसके बाद पास्टर मोहन भट्टी, जिन्होंने हमें आखिरी प्रार्थना हमारे लिए किया और उन्होंने भी बताया कि साबत स्कूल डेली पढ़ने से हमें क्या फायदा होता है। तो साबत स्कूल डिपार्टमेंट की ओर से हम इन तीनों हमारे आज के जो वक्ता हैं उनको हम धन्यवाद देना चाहते हैं और हम आशा करते हैं कि यो ये जो शुरू हुई है इंटरनेशनल हिंदी साबत स्कूल डेली स्टडी, हम सबों के लिए एक आत्मिक फायदा का कारण बनेगा और इससे हम और परमेश्वर की वचन हम जैसे उसकी अध्ययन करते हैं, हम परमेश्वर की और नजदीकी आएंगे और हमारा मंडली और मजबूत होगा। तो नॉर्दर्न इंडिया यूनियन के साबत स्कूल डिपार्टमेंट की ओर से मैं इन हमारे वक्ताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं, और आज जितने भी इस जूम के माध्यम से आज इस शुरुआती सभा में शामिल हुए हैं, आप सबों को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज इस सभा में आप शामिल होकर के इस सभा को आप सक्सेसफुल बनाए। सो फिर से मैं आप सबों को नॉर्दर्न इंडिया यूनियन साबत स्कूल डिपार्टमेंट की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू किसको,
एंड आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब दोबारा धन्यवाद करने की आवश्यकता नहीं है, कल शाम को हमारी मुलाकात होगी। आप सबके सहयोग के लिए और आप सबके सलाह मशवरा के लिए हमेशा हम सुनने के लिए तैयार हैं। हम सब मिलकर इस काम को। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। गुड नाइट।